हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, और पुराने हैं तो लाइक तो करेंगे ही। तो चलिए, आज मैंने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि मैं कोई होम रेमेडी या कुछ शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने पे ट्राई कर रही थी ये, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं आज। ये है एलोवेरा। इसके गुण तो आपको पता ही है, ये खाने से लेके और बालों पे लगाना, फेस पे लगाना, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। अगर आपके पास इस तरीके से आपको फ्रेश मिल जाए तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मार्केट में तो अवेलेबल है ही, आप ले सकते हैं। तो मैं भी हेयर वॉश करने जा रही थी, सोचा कि आज आपके साथ ऐसे थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए और थोड़ा सा अपने हेयर्स को और शाइनिंग वाला बनाती हूँ। ट्रिम कराना भी मेरे हेयर्स को है अभी, देखते हैं कब मौका मिलता है। थोड़ा बालों को ट्रिम कराती हूँ, क्योंकि ट्रिम कराना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम बालों की होम रेमेडी अप्लाई करते हैं, केयर करते हैं, उतना ही ट्रिमिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये एलोवेरा, और नेक्स्ट ली है मैंने ये विटामिन ई की कैप्सूल। इससे के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, फेस में लगाने के लिए बताया था। ये हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले इस तरीके से इसे कट कर लेंगे, इसके साइड के कोने जो है इसको निकाल लेती हूँ। सोचा आज आपसे कुछ बातें करूँ, क्योंकि बहुत होम रेमेडी वगैरह जब भी मैं बनाती हूँ तो आपसे डिस्कस नहीं कर पाती, सिर्फ होम रेमेडी के बारे में ही बताने पर पूरी वीडियो ख़त्म हो जाती है। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कभी किसी कारण तो कभी किसी कारण। तो हमें मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिला कि लाइफ में ना एक बार ऐसा होता है कि हमारे इतने नेगेटिविटी भर जाती है कि हमें सोच नहीं पाते हम कि आगे क्या करना है। मेरी भी साथ ऐसा ही कुछ हुआ, मेरी भी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग भर चुके थे, तो मैंने उन सबको इग्नोर करा। वो मुझे पता है वो मेरी वीडियो देखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताती हूँ वो लोग क्या करते हैं। मुझे वो कौन है ये भी पता है कि कौन मेरे साथ ये कर रहा है। सबसे पहले तो मेरी वीडियो देखते हैं, जब वो देखते हैं तभी मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। उसके एक घंटे बाद वो मुझे अनसब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को डिसलाइक करते हैं। मैं जानती हूँ वो कौन है, पर ऐसे नेगेटिव लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मुझे इनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप लोग जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे प्यार करते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। आप चाहे तो मेरी वीडियो को मत देखा करिए, गलत कमेंट करके मुझे पसंद नहीं है, मैं आपको अपने चैनल से ब्लॉक कर दूं या फिर ऐसा कुछ स्टेप उठाऊं, इससे पहले ही मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियो अपने चाहने वाले, अपने फ्रेंड्स के लिए बनाती हूँ, जो मेरा परिवार है, जो मुझे चाहता है, मुझे पसंद करता है। हेटर्स के लिए मेरी वीडियो में बिल्कुल जगह नहीं है। मैं आपका नाम लेके बोलूं इससे ज़्यादा बेहतर होगा, आप ये कारनामे करना छोड़ दीजिए। मैं जब से मैंने चैनल बनाया है, मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर से लेके आज आप लोग के प्यार के वजह से मैंने 3 मंथ के अंदर 1600 सब्सक्राइबर ले लिए हैं, क्योंकि आप लोग का प्यार मेरे साथ था। तो मैं आप लोग का नाम लेके चैनल में बोलूं कि वो कौन है, इससे ज़्यादा बेहतर है। आप कृपया करके खुद चले जाइए, या वीडियो देखते भी हैं तो नेगेटिविटी मत भरिएगा। तो अब आप लोग जाइए, अब मुझे अपने परिवार से बात करनी है। तो धन्यवाद आप सभी का जो मुझे इतना सारा सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, और मुझे अभी तक बहुत सपोर्ट मिला आप सभी का। मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं वीडियो को अभी नहीं बनाना चाहती थी, पर सच बताऊँ ये हेटर्स ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मुझे अभी 1500 सब्सक्राइबर में ही ये वीडियो बनानी पड़ी। बस मैं अपने हेटर्स से एक बार फिर से बोलती हूँ, प्लीज़ दफ़ा हो जाइए मेरे चैनल से। आप लोग के लिए मेरे चैनल पे कोई भी जगह नहीं है,
इन सारे नेगेटिव लोगों को इग्नोर करते हैं और अपने रेमेडी की ओर ध्यान देते हैं। तो मैंने इस तरीके से ये पीसेस में कट कर लिया है, इस तरीके से कट कर लिया है। अब आप लोग के साथ मैंने शेयर की थी ये कैप्सूल, विटामिन ई की कैप्सूल थी, आप लोग के साथ शेयर की थी। अब मैं इसे कट करके, जो मैंने स्लाइस करके एलोवेरा को रखा हुआ है जेल निकाल के, उसमें दिखाती हूँ। ये जेल निकाला है निकाल के, अब इसमें इस तरह, ये कैप्सूल सीरियसली बहुत अच्छा है। मैं ये इस तरीके से पूरा मैश कर लिया मैंने इसे अच्छे से। रू लेके आना बेटा, जो हमारी ग्रह वाली मशीन है घूम वाली, और एक कटोरी भी ले आना। जेल को अच्छे एक बकेट पानी में अच्छे से आधा कटोरी जेल डाल के उससे नहा लीजिए, और साबुन मत अप्लाई कीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे ना, एक बॉडी में अलग से शाइन आने लग जाती है। और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आपको यूट्यूब में गूगल में भरा पड़ा मिलेगा। अमेज़ोन से मंगाया था, इसमें सेल लगते हैं और एक स्विच ऑन ऑफ का बटन है। यह बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। और अगर आप चाहें तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, आप कमेंट्स करके बताइएगा। अब मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है, अब इसे कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। इसमें सेल है इस तरीके से, अब ये पूरा अच्छा एक लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसे अप्लाई कर लूंगी। इस तरीके की रेमेडी से हमारा ना और भी स्किन ग्लोइंग और शाइनिंग होती है। ये तो बहुत परेशान कर रहा है, कभी नाक में टपक रहा है, कभी आंखों में टपक जा रहा है। नहाने से पहले कीजिएगा क्योंकि गिर बहुत रहा है। अच्छे से पूरे सर पे अप्लाई कर लीजिए इस तरीके से। मुझे इसको लगाते हुए तो बहुत हंसी आ रही है, कभी सर पे गिर रहा है, कभी नाक पे, और ये ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं सर पे। ये मैंने अप्लाई कर लिया है, अब मैं 15 मिनट इसको ऐसे ही रहने दूंगी क्योंकि जल्दी ड्राई हो जाता है, और फिर वॉश कर लेंगे वाटर से। आप नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे, शैम्पू अप्लाई मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी, मुझे कुछ हेटर्स हैं उनको रिप्लाई करना था और अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी रेमेडी शेयर करनी थी। तो मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।